शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं जो कि 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इसी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ विजयदशमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और ये प्रमुख पर्वों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय अपनाते हैं। वहीं नवरात्रि के दिन पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और बताते चले कि जौ बोने का भी विधान होता है। दरअसल कि आइए जानते हैं, दरअसल कि किसी विधि और विधान के नियम के साथ जौ बोना चाहिए और साथ ही जानेंगे इसके महत्व के बारे में। नवरात्रि में जौ को क्यों बोया जाता है, क्या जौ बोने से क्या होता है शुभ काम। बताते चले कि नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने की जो परंपरा है जिसे ज्वरा या फिर खैत्री भी कहा जाता है, जौ को पूजा पाठ में सबसे पवित्र अन्न माना जाता है। इसे बोने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, साथ ही ये समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन ले और फिर इसके बाद मंदिर या पूजा घर को साफ करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। अब जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र ले और उसे साफ करे और गंगा जल से पवित्र कर। फिर साफ मिट्टी की एक परत बिछाएं, उस पर जौ के दानों को दानों से परत बनाकर फिर से मिट्टी की परत चढ़ा दें। मिट्टी के पात्र के नीचे स्वास्तिक बनाकर उस पर पात्र रखें। पात्र के चारों तरफ मौली बांधकर पारस्त्र सतिया बनाकर टीका और अक्षत। अब इस पात्र को देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। नवरात्रि के पहले दिन इस पात्र में साफ पानी डालें। जौ और पानी की मात्रा पात्र के हिसाब से ही डालें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के समय जौ यानी कि खेतरी देवी की भी पूजा साथ साथ करें। बताते चले कि खेतरी देवी दुर्गा का शाकुंभरी का स्वरूप माना जाता है जो कि सुख समृद्धि लाने वाली है। इसकी पूजा से घर का वातावरण पवित्र होता है और खुशहाली भी आती है। जौ पूजन के क्या नियम है, आइए एक नजर डालते हैं। जौ की मात्रा पात्र यानी कि बर्तन के आकार के अनुसार ही लें और पानी भी उसी मात्रा में डालें। नवरात्रि के हर दिन पूजा के बाद जौ को आरती दिखाएं और जल से उसे सींचें। बताते चले कि जौ यानी कि खेतरी माता को प्रणाम करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें और माता का आशीर्वाद लें। बताते चले इसी के साथ नवरात्रि के आखिरी दिन खेतरी माँ से पूजा के दौरान कोई हुई भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए कुछ जौ माता को अर्पित करें और माता से अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगे। कुछ जौ परिवार के सदस्यों को दें, कुछ तिजोरी में रख लें और बाकी सार जल नदी तालाब आदि में विसर्जित करें। नवरात्रि पे ये थी जौ से जुड़ी जानकारी। फिलहाल आप नवरात्रि पे क्या कुछ कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साइंस स्पिरिचुअल।